इस बार ऐसे में वर्षा होने से नींबू की फसल की हस्तभार लेना बहुत कठिन कार्य हो गया है। मैंने पहली दो वीडियो में ये बताया था कि अगर बारिश हो गई तो आपको ताव किस प्रकार देना है और उसमें खाद क्या लगानी है। खाद की मात्रा लगाने के बाद ये बताया था कि उसमें पानी कितनी बार देना है और कितने अंतराल के बाद देना है। सामान्यतः यह तैयारी सितंबर माह में की जाती है, लेकिन अब नवंबर का माह चल रहा है। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। अब हम बात करते हैं इस असमय में अपने फूल और फल लेने की। मेरे बाग में मैंने अभी तक दो पानी लगाए हैं और कल मैं तीसरा पानी दूंगा, और तीसरा पानी देने के 3 से 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आपको उसमें क्या कार्य करने हैं ये सब कार्य नोट कर लीजिए। इसमें आपको किन किन सामान की आवश्यकता होगी, सबसे पहले मैं वो सामान बताता हूँ। आपको आवश्यकता पड़ेगी NPK 12:61:0। 12:61:0 में नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है। फास्फोरस आपके तने को मजबूत करती है, उसकी क्षमता प्रजनन की बढ़ाती है, और जो आपकी प्रजनन के भाग होते हैं उनको एक्टिव करती है। दूसरी है बोरोन और तीसरी है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड बोरोन और चिलेटेड जिंक, मात्रा कितनी होगी इन तीनों की यह मैं नहीं बताऊंगा। यह मैं कई बार अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं और मेरे लेख में भी लिखी गई हैं, कई लेख में है कि इनकी कितनी कितनी मात्रा होगी। इसके अलावा आपको चाहिएगा बायर का एम्बिशन। बायर का एम्बिशन एक लिक्विड फॉर्म में आता है, ये होगा एक चौथा आइटम या चौथी दवाई जो आपको चाहिएगी। कैसे करनी है वो मैं अभी बताऊंगा। एक पांचवी दवाई आपको चाहिएगी, BASF कंपनी की आती है लीहोसिन, जिसका कार्य होता है कि आपके पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को थोड़ा रोककर फूल इंड्यूस करने का काम करती है। ये 5 चीज़ें आपको NPK 12:61:0, चिलेटेड बोरोन, चिलेटेड जिंक और आपको बायर की एम्बिशन, चौथी और पांचवी BASF की लीहोसिन, ये 5 दवाएं आप ले लीजिए। इसके बाद अब क्या करना है, जैसे ही आपके खेत में आपका चल सके तीसरा पानी देने के बाद में आपको उसके आसपास फिर देख लीजिए कोई तने के पास घास ना हो और सब चीज़ ठीक हो। हो सके तो आप उसके तने पर बोर्डो पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको पहला स्प्रे करना है NPK 12:61:0 प्लस बोरोन प्लस चिलेटेड जिंक। इन तीनों को लीजिए और तीनों को मिलाकर एक स्प्रे कर दीजिए। मेरी अमरूद की वीडियो में भी मैंने बताया है कई बार, और नींबू की वीडियो में बताया कि मात्रा कितनी लेनी है। आप ये पहला स्प्रे कर दीजिए और फिर आपको 8 दिन तक कुछ नहीं करना है। 8 दिन के बाद आपको फिर से 12:61:0 NPK लेना है और उसके साथ लेना है आपको बायर की एम्बिशन। बायर की एम्बिशन आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसमें मिलानी है। किसान साथियों, मैं जानबूझकर ये नहीं बता रहा हूँ कि किसकी कितनी मात्रा होगी, ये आप सबके पास लिखा होना चाहिए। अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो बार बार किसी से पूछते ही रहेंगे, इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा। आप पुरानी वीडियो में देखिए, किसी से पता करिए कि इसकी कितनी मात्रा होती है, या मेरे लेख पर जाकर वहाँ से पता करिए। ये हो गए आपके 2 स्प्रे। अब तीसरा स्प्रे दूसरे स्प्रे के 5 दिन बाद करना है। ये है BASF कंपनी का लीहोसिन, और लीहोसिन को आपको 1 ml प्रति लीटर लेना है, यानी 20 लीटर की टंकी में केवल 20 ml लेना है और पौधे को अच्छी तरह नहला देना है।
ये कार्य आप तीन करिए और तीसरे पानी के 15 दिन बाद आपको फूल दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और जब ये स्प्रे हो जाएंगे तो इसके बाद आपको काफ़ी मात्रा में फूल नजर आएंगे। किसान साथियों, जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यान से करिए, और इसको जब अगर सफलता मिलती है तो अपनी कापी में नोट कर लीजिए, ताकि अगली बार आपको इस पर कोई किसी से पूछना न पड़े। अंत में मैं आज एक बात साझा करना चाहूँगा, मुझे कृपया कॉल न करें। कॉल करने के अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिखिए और अपना नाम और पता लिखिए। समस्या देखकर मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपको बताऊं या न बताऊं। इसके अलावा अधिकतर चीज़ें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से साझा करता हूं, और मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं सारा दिन फ़ोन के जवाब नहीं दे सकता और न ही व्हाट्सएप के सभी के जवाब दे सकता हूं। जिन साथियों को सीखने की जिज्ञासा है, अगर वो वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि अमेजिंग किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम एक साल अवश्य गुजारिए, उसमें दाखिला लीजिए, जिसकी फीस है 2000 रुपये प्रतिवर्ष। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उसके बाद आप उसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए, उसके सदस्य नहीं रहे, नहीं तो पूरे एक साल अपनी सारी जिज्ञासा पूछिए, सभी के उत्तर मिलेंगे। अमरूद और नींबू वर्गीय बागवानी और इसके साथ में एप्पल बेर, इन तीन चीज़ों के लिए हम बाध्य हैं कि हम आपको अवश्य बताएंगे। अगर इसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसे अगली बार अपना रिन्यूअल न कराएं या नवीनीकरण अपनी सदस्यता का न कराएं। आशा है आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि सभी के उत्तर देना बहुत नामुमकिन है, इसलिए अगर सीखिए, सदस्य बहुत हैं, मैं उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात करूं या मैं उत्तर दूं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।